हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं माय फेवरेट यूट्यूब चैनल एनी टॉपिक YT। मैं आपके साथ हर्षुल साइकिल स्वागत करता हूं हम सबका इस वीडियो में। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, जैसे आप इस वीडियो को थंबनेल देख चुके होंगे, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप कैसे कर सकते हैं अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, अगर आपका आधार कार्ड हो गया, आपका रिज्यूम हो गया, आपकी वोटर आईडी हो गया, आपकी या फिर आपके जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी ऐप। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी टेक की वीडियो है और इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही आसान से ट्रिक है। आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए आपका एक फ़ोन, और जो भी आपको फाइल्स कन्वर्ट करनी है आपके पास वो होनी चाहिए। तो गाइस, जो मेरी पुरानी वीडियोज़ है आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर उनको चेकआउट करना। और चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। A few moments later. So guys, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने फोन की स्क्रीन पे, और जैसे आप देख सकते हैं कि आज आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं अपने किसी भी फोटोज, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट पीडीएफ में। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना वीडियो पहले बार देख रहे हो तो। गाइज, मान लो जैसे आपके पास जो भी फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होती हैं, या फिर आपके पास फोटोज होती हैं, आपको कन्वर्ट करना होता है और आपको वो नहीं आ रहा होता, तो आज मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। मान लीजिए अगर आपका कोई रिज्यूम है आपको सबमिट कराना है, और उसके लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गए, जैसे आपको आधार कार्ड हो गया, या फिर आपकी वोटर आईडी, या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, जिनको आपको करना है। तो चलिए आपको बताता हूँ। सिंपली आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा न्यू टैब ओपन नहीं था, मैं कर लेता हूँ। और सिंपली आप यहाँ से अपना न्यू टैब ओपन कर लीजिए प्लस के आइकन पे दबा के। और देखिए आप मेरा न्यू जो भी हमारा न्यू टैब है वो ओपन हो चुका है। और सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च बार में यहाँ पे लिखना है, आप सिंपली देख सकते हैं हमें लिखना है स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम। जैसे दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी लिखा है स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम, आपको यही लिखना है यहाँ पे। आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको। आपको सिंपली सर्च बार में लिखना है स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम, जैसे SMALL PDF को हम लिखेंगे PDF.com, हमें ये लिखना है। और सिंपली हमें यहाँ से कर देना है सर्च। और देखिए गाइस, जैसे हम सर्च करेंगे हमारे सामने ये जो वेबसाइट आ चुकी है, हमने सिंपली डॉट कॉम लिखा था इसलिए हमारी खुल के आई है, वरना अगर हम स्मॉल पीडीएफ नहीं लिखते तो वो सिंपली हमें गूगल के ऊपर वेबसाइट में सर्च करती। और देखिए गाइस, जैसे आपको बता चुका हूँ, आपको जो कन्वर्ट करना है आप उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। आपको बारी बारी बता देता हूँ। तो देखिए, जो कॉम्प्रेस पीडीएफ है, मान लीजिए आपने कोई पीडीएफ बनाया और आपको उसको कंप्रेस करना, अगर उसका साइज आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कॉम्प्रेस पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। और मान लीजिए आपको पीडीएफ को ही कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए गाइस, जैसे यहाँ पे आपने कोई जैसे आपने वर्ड की बनाई, आपकी आपने कोई फाइल बनाई अपने कंप्यूटर में और वर्ड में बनाई, पावर पॉइंट और एक्सेल की जो भी आपको फाइल्स हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और PPT to PDF मतलब जो आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, मतलब जो भी आपने पावर पॉइंट में फाइल्स बनाई, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है तो आप पीडीएफ पे क्लिक कीजिए थर्ड ऑप्शन पे। और उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन आता है कि कन्वर्ट पीडीएफ टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपने जो भी पीडीएफ फाइल्स बनाई है, अगर आपको उसको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन मिलाने, तो आप फोर्थ पे क्लिक कीजिए। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए JPG to PDF। मान लीजिए आपकी कोई भी इमेज है या फिर कुछ भी है और आपकी जो फाइल्स हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए। और फिर हमारे पास ऑप्शन आते हैं PDF to JPG। मान लीजिए आपके पास कोई भी पीडीएफ, अगर आपको उसको JPG पर कन्वर्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और Excel to PDF का मतलब है कि जो भी आपने एक्सेल में जो आपने स्प्रेडशीट बनाई, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और फिर हमारे पास ऑप्शन आता है PDF to Excel। इसका मतलब है कि जो भी हमारी PDF की है, हमें उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि जो हमने पीडीएफ बनाया, अगर हम उसके अंदर एडिट करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एडिट पीडीएफ पे। और फिर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पीडीएफ है और हमें उसको रीड करना है, फ़ोन के अंदर कुछ मतलब है नहीं रीड करने के लिए, तो हमें इस पर क्लिक करना है पीडीएफ रीडर पे। और फिर उसके बाद ये नीचे वाले आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, वो काम के नहीं है हमारे लिए। और फिर उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है JPG to PDF। तो चलिए इस पर कर लेते हैं क्लिक। तो गाइस, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए अगर आपको जो भी आपके फोटोज या डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको वो गैलरी में पड़े, तो आप सिंपली यहाँ पे चूज फाइल्स पे क्लिक कीजिए। अगर वो आपके ड्रॉप बॉक्स में पड़े हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपकी गूगल ड्राइव में पड़े, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं।
और चलिए मेरे तो गैलरी में पड़े हैं तो सिंपली यहाँ से कर लेते हैं चूज फाइल पे। सिंपली गाइज आप यहाँ पे कर लीजिए चूज फाइल पे और देखिए ये जो मेरी गैलरीज की फोटो है वो ओपन हो चुकी है सिंपली। और देखिए ये दो तीन फोटोज मैंने एग्जांपल में रखी हुई हैं और देखिए चलो यहाँ पे दो फोटो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। और सिंपली जैसे आप जितनी अनलिमिटेड फोटोज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको करना है डन पे। और देखिए यहाँ पे हमारी अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, पहले हमारी अपलोडिंग होगी फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं क्रिएट पीडीएफ नाउ पे। और देखिए गाइज यहाँ पे A4 ऑटो और यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपने दो फोटो सिलेक्ट कर लिए और आपको और भी फोटो सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे ऐड मोड पे भी कर सकते हैं। रुके आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपली आपको करना है ऐड मोड पे क्लिक और अगर आपको ड्रॉप बॉक्स में से निकालनी है तो आप फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स फ्रॉम गूगल ड्राइव या फिर आपको गैलरी में से निकालनी है तो चूज फाइल पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं करनी है। जो हमने दो फाइल्स अपने सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ से उसका अगर आपको साइज भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में। और जो भी आपके उसके मार्जिन है आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बिग मार्जिन चाहिए स्मॉल या फिर नो। ठीक है गाइस और यहाँ पे जो हमारी अब हमें यहाँ पे करना है क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक और देखिए गाइस यहाँ पे जनरेटिंग पीडीएफ हो चुका है और जो हमारे पीडीएफ है वो भी कन्वर्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है या फिर सीधा आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फिर आप गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको पीडीएफ को एडिट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको एडिट। और देखिए अब सीधा यहाँ से हम कर लेते हैं डाउनलोड फाइल पे और देखिए जो हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए गाइज ये वो दो पिक्चर थी जो मैंने सिलेक्ट करी थी आपके सामने करी थी और देखिए इसका पीडीएफ बन चुका है। और देखिए गाइज ऐसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल्स फोटोज रिज्यूम को अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में ऐसे ही। और मान लीजिए ये मैंने आपको फोटोज करके दिखाई हैं, अगर आपके वो भी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं सिंपली आपको यहाँ से बैक करना है, एक और बार बैक कीजिए और देखिए गाइज यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पे पीपीटी टू पीडीएफ का मतलब है कि जो हमारे भी पावर पॉइंट की एक्सेल्स की फाइल्स हैं सिंपली क्लिक कर दीजिए। लेकिन मेरे पास वो भी फाइल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीपीटी टू पीडीएफ करेंगे तो आपके सामने वैसी ऑप्शन आ जाएगा चूज फाइल्स का। अगर आपके वो गैलरी में पड़ी तो आप चूज फाइल्स पे कीजिए, ड्रॉप बॉक्स में या फिर गूगल ड्राइव में पड़ी तो आप वैसे क्लिक कीजिए और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारी वही फाइल्स ओपन हो जाएंगी। और देखिए आप गैलरी से एक्सप्लोरर से तो आप कर सकते हैं क्लिक, लेकिन उसको कोई फाइल अवेलेबल नहीं है इस टाइम पावर पॉइंट की एक्सेल्स की। आप पावर पॉइंट की भी कर सकते हो और एक्सेल की भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस हम कोई भी फाइल ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो गाइस इस वीडियो में मेरी जो ऑडियो क्वालिटी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव है क्योंकि मैंने एक माइक परचेज कर लिया है जिसकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको भी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट लगा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए कि यस ऑडियो क्वालिटी इज इंप्रूव। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऐसे इंटरेस्टिंग में लाते रहूंगा। कुकिंग पे भी मेरी वीडियो आती रहेगी तो आप प्लीज वो वीडियो पर जरूर देखना। और ये मेरी टेक की वीडियो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कुकिंग वीडियो मेरी आती रहेगी। वीडियो कैसी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, बाय बाय, होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। बाय बाय गाइज, बाय बाय।